का सम्मान किया है, खुद भी सम्मान पाने के अधिकार रखने वाले पुलिसकर्मियों ने सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाया। यातायात उप निरीक्षक शशुधन पांडे ने बताया कि 40 सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। ये सफाई कर्मी रोजाना सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी करते हैं और उन्हें चाय और नाश्ता भी नहीं मिल पाता। ऐसे में सबसे ज्यादा सम्मान के हकदार ये वॉरियर्स ही हैं। देश में लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ भी लॉकडाउन है और ऐसे में राजधानी पुलिस जो है सुबह से लेकर शाम तक लगातार ड्यूटी कर रही है। जिन्हें खुद भी सम्मान पाने का अधिकार है वो अपना सम्मान छोड़ सफाई कर्मियों का सम्मान करने में जुटे हैं। हमारे साथ यातायात उप निरीक्षक शत्रुघ्न पांडे मौजूद है जिन्होंने आज सफाई कर्मियों का सम्मान किया है, तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे, सर कितने सफाई कर्मियों का आपने सम्मान किया आज? 40 सफाई कर्मी थे, महिला लोग हैं, रोज आते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं, 12-1 बजे जाएंगे, इनको चाय नहीं मिलता, नाश्ता नहीं मिलता। हम लोग देखते हैं, मेहनत करते हैं वो लोग और सफाई शहर की सफाई व्यवस्था करते हैं, तो हमारा स्टाफ जो यहाँ ड्यूटी में है, कोई नाश्ता कोई चाय कोई देता है तो हम लोग हमारे सिवा आरक्षक लोग उसको देते हैं। सब लोग हमारे यहाँ जो मिलता सामान रखता है, बिस्कुट दिया तो हम लोग उनको देते हैं। आज ये लोग प्लान बनाए कि नहीं उनको सम्मान करेंगे, तो आज हम लोगों ने फूल लेके आए थे, 100 फूल, उसमें 40 महिलाओं को एक एक फूल दे के उनका हौसला अफजाई किए, उनका मनोबल को बढ़ाए और उनको अच्छा लगा, सब लोग धन्यवाद दिए। खैर वो लोग आते जाते हम लोगों से मिलते हैं, यहाँ भी गंदगी होता है, सफाई करते हैं, उनके कार्यों को देख के हम लोग उनका सम्मान किए। तो ये थी हमारी यातायात उप निरीक्षक शत्रुघ्न पांडे से खास बातचीत, जिन्होंने बताया कि सफाई कर्मियों का हौसला भी बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि वो दिन भर अपने ड्यूटी पर लगे हुए होते हैं, उन्हें भी सम्मान का अधिकार जो है वो बनता है। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे। और अखौर मंडला से जहां पर एक किसान ने जरूरत